Hello kids, welcome to math session. We are doing comparing quantities and today is the last session for this chapter. और आज ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें वी आर गोइंग टू डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. और आपको मालूम है जब चैप्टर फिनिश होता है वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो क्या है ये, दिस इज द हमारा पी का वैल्यू, दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है. नाउ दे आर सेइंग, देखिए जब भी हम आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके साथ आपको ये इस बात का ध्यान देना है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट आर दे टॉकिंग अबाउट, वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सो हमारे पास क्या है, जो हमारा फॉर्मूला है. तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक हमने जो ये फॉर्मूला मालूम है हमें, इस बेस पे कैन वी कैलकुलेट, यस वी कैन कैलकुलेट क्योंकि हमारे पास टाइम भी 3 years का है और ऑलरेडी दे हैव मेंशन कि इट इज एनुअली. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर. पी की जगह वी आर गोइंग टू पुट 10,800 वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स फ्रैक्शन में है तो ये हमारा कितना हो गया 25/2%. ठीक है, सो ये हमारा हो गया 25/2. अगर हम इसको बाय 2/100 और हमारा क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 3. सो इसको जब हम वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 + 25/200 रेस्ट टू द पावर 3. नाउ फर्दर व्हेन वी विल सॉल्व तो हमारा हो जाएगा 10,800 225/200 रेस टू दी पावर 3. तो 225/200 को हम मिनिमम वैल्यू पे लाएंगे तो दिस बिकम्स 40. 5 4 20 5 5 25 5 8 40 5 9 45. तो मीन्स हमें मिल रहा है 9/8. तो यार हमारा जो आ गया तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,800. ठीक है, और ये हमारे पास जो आया 9/8, तो 9/8 रेस टू द पावर 3, दिस मींस 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8. क्लियर ये. सो नाउ क्या है, अब आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये पूरी कैलकुलेशन अब हमें करनी पड़ेगी. तो व्हाट यू नीड टू नो, आप क्या है ये कैलकुलेशन अब आप लोग करेंगे खुद. उसके बाद आपको माल क्या, इसमें उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहाँ जो सॉल्व आप करेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी द अमाउंट. और अब आपको क्या पता करना है, यू हैव टू फाइंड ऑल्सो द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये जो आपने हमारा जो प्रिंसिपल हमने जो लिया था, ठीक है, उसमें से आप क्या करेंगे, जो आपको यहाँ कैलकुलेट करके वैल्यू मिली है अमाउंट की, तो अमाउंट में से यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल की वैल्यू एंड देन यू कैन गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फाइंड आउट करना होगा कि हमको जो अमाउंट मिला माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन विच वी हैव कैलकुलेटेड. सो इन दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेशन. सो वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, देखिए इसमें हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी है. आपको मल्टीप्लीकेशन करना आता है तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल द मैथ स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. फर्दर कैलकुलेशन यू हैव टू डू ऑन योर ओन. और कोई भी अगर आपको इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ऐप है, वी कैन कॉन्टेक्ट थ्रू अवर ऐप. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या है, प्रिंसिपल इज 18,000. अब हमारा टाइम पीरियड, हमारा जो टाइम पीरियड है वो है 2.5 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. और ये बहुत हमें इजी हो जाता है जब आता है कंपाउंडेड एनुअली. तो मींस हमारा प्रिंसिपल डेट इज 18,000
और जो हमारा टाइम है डेट इज 2.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। लेकिन इसमें वी हैव टू डू सम चेंज। अब हमें क्या होगा, क्योंकि एक तो हमें क्या है, हमें जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए तो हमारे पास बहुत इजी फॉर्मूला है, ये हमने रख लिया। नाउ व्हाट इज द थिंग, 2 ईयर्स तो हमारे पास कंप्लीट है ना, दिस हाफ ईयर्स हाउ आर वी गोइंग टू डू द कैलकुलेशन फॉर हाफ ईयर्स वो अभी आपको बताएंगे। तो पहले हम कंप्लीट 2 ईयर्स का निकालते हैं, तो दिस विल बिकम 18,000 वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 है अपॉन 100 और फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ओनली फॉर 2 ईयर्स। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो 18,000 और ये हमें सॉल्व करके हो गया 110 अपॉन 100 रेस टू द पार्ट 2 0 0 कैंसिल। तो इसका मीनिंग हुआ 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है, क्योंकि हम ये रेस टू द पार्ट 2 है तो हमारे 2 0 कैंसिल। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डेट वैल्यू विल बी क्या होगी, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन कि हम कैसे आएगा हमारा 180 इंटू 11 इंटू 11, तो दिस मीन्स 121 इंटू 180। तो 121 इंटू 180 की जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उस वैल्यू को वी आर गोइंग टू पुट फर्दर और हम उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डेट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21780 रुपीस। सो मेन अब जो हमें, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो आई विल कंसिडर दिस अमाउंट 21780, ये हमारा अमाउंट रहा है जो अब हम प्रिंसिपल की तरह कंसिडर करेंगे। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 और जो अब है 1.5, तो ये आ गया 1/2 नीचे इंटू 100, तो हमारा 0 0 कैंसिल। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2 0, 2 8 16, 2 9 18 1089। यहाँ पे नाउ व्हाट यू नीड टू पुट डाउन हियर, सो दिस इज द क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। अमाउंट के लिए क्या करेंगे आप, ये सिंपल इंटरेस्ट यू विल ऐड विद द प्रिंसिपल, ये जो हमने करा 21780, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी आर गोइंग टू गेट द एक्चुअल अमाउंट दैट वी विल रिसीव। लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा क्या था, ये दिस इज द हमारा इनिशियल अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम 18 जो हमने बेसिक प्राइस लिया था 18,000 में वी विल सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट। तो अगर हमने 18,000 में से, आई एम डूइंग दिस स्टेप हियर, सो 18,000 माइनस 21780, यहां जो आंसर आपके पास आएगा डेट विल बी द क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट। क्लियर हुआ ना, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट प्लस ये वाला इंटरेस्ट अमाउंट जब आप दोनों को ऐड करेंगे देन यू विल गेट द टोटल इंटरेस्ट वैल्यू। और अमाउंट का करेंगे तो अमाउंट का करने के लिए आप क्या करेंगे, 21780 में आप 1089 ऐड करेंगे टू गेट द आंसर। द नेक्स्ट इज फबीना बोरोस रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हु पेस मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो अब हम पहले फबीना का अगर हम लेते हैं, फबीना ने क्या करा है, उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का वी आर गोइंग टू पुट द फॉर्मूला एंड विल डू द कैलकुलेशन। तो सिंपल इंटरेस्ट पर हम क्या 12,500 है इनटू रेट एट 12 और उसने कितने के लिए, 3 ईयर्स के लिए है अपॉन 100, सो 2 0 कैंसिल, 12 3 36,
ठीक है, और फिर 125 into 36, ठीक है, यहां पे यू विल गेट द वैल्यू, मींस उसने कितना इंटरेस्ट पे करा। नाउ राधा का कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या करा है, राधा हैज टेकन ऑन कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली का हमें क्या रहेगा, हमारे पास द शॉर्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट इज दिस, तो प्रिंसिपल इट इज सेम 12,500, 1 प्लस आर हमारा क्या है, इसने क्या लिया है 10% पे, तो ये 10/100, और कितना लिया है फॉर द सेम टाइम पीरियड, डेट इज 3, क्योंकि उन्होंने यहां पे क्या लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो डायरेक्टली वी कैन पुट 3 ओवर हियर। सो अब हमारे पास आ गया 12,500 into 110 upon 100 into 110 upon 100 into 110 upon 100, तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई 11/10, है ना। नाउ अब आपको समझ में आ गया ना, अगेन यू विल डू द कैलकुलेशन यहाँ पे के यहाँ कितना आ रहा है, सो यू हु पेस मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो बाय गेटिंग दीज टू वैल्यूज यू कैन कंपेयर हु हैज पेड मोर एंड टू फाइंड आउट हाउ मच, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपको पता चल जाएगा। सपोज एक ने, अगर हम ले रहे हैं, एक ने करीब 4000 कुछ या 5000 कुछ करा और दूसरे ने 3500 कुछ, इस टाइप से अगर हमारा अमाउंट आता है तो 4000 में तो और 3500 किसका ज्यादा होगा, 4000 वाले ने ज्यादा दिया, प्लस डिफरेंस निकालने के लिए 4000 में से वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 3500, दैट इज द डिफरेंस ऑफ 500 रुपीज ज्यादा दिए। लेकिन ये मैंने एक एजम्पशन करा है, आपको कैलकुलेट करना है एंड देन यू विल राइट डाउन द आंसर। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, आरिफ took a लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम a बैंक, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ वो क्या है, एनुअली है, एनुअली के लिए आपको मालूम है हाउ आर यू गोइंग टू डू, इट इज 1.5 ईयर्स, तो पहले हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो जो अमाउंट आएगा उसमें हम उसको प्राइम अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट लेके वी विल डू द फर्दर कैलकुलेशन। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हम क्या कर देंगे, एन की वैल्यू विल बिकम 3, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट केस ले रहे हैं तो कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली में हम सिंपल, फिर हमारे पास रहेगा सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ प्रिंसिपल उसने 80,000 लिया एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइम पीरियड अभी वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1, तो 20 कैंसिल आउट, इट बिकम्स 8,000 रुपीज, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू एड दिस 8,000 विद 80,000, तो दिस विल बिकम कितना, 88,000, है या नहीं है। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है, बेटर यू राइट डाउन द वैल्यूज डाउन हियर एंड डू इट। देखिए 88,000, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन व्हाट आई विल डू फॉर द हाफ ईयर, आई विल टेक प्रिंसिपल टू बी 88,000 with the same rate of interest, that is 1. Now the time period will be half into 100. Clear? 20 get cancelled out, 25s are 10, and this become 50s are 0, 5 8s are 40, 5 8s are 40, 44. So now the interest is coming out to be 4,400. Is this thing clear to you? Now this 4,400 I will add with this value to find out the actual amount. क्योंकि क्या करें, took a loan of this from a bank. If the rate of interest is this much, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years. So to find out how much he is going to pay, I will add 88,000 with 4,400. And then
विल डू द फर्दर कैलकुलेशन. लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए, वॉट आई विल डू, आई विल यूज द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100. तो प्रिंसिपल इज 80,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% अपॉन 100, और ये आ जाएगा मेरा n की वैल्यू विल बिकम 3. व्हाई? बिकॉज दिस इज 1.5 इयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली. दिस मीन्स 1 ईयर का वी हैव गॉट 2 कैलकुलेशन एंड हाफ 1 मोर. सो दिस विल बिकम, n की वैल्यू विल बिकम 3. नाउ द वैल्यू विल बिकम 80,000, और ये हमारा क्या हो गया, 110 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3. सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 80,000 इनटू 11 अपॉन 10. दिस आई विल राइट थ्राइस. ये तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी ना. सो नाउ अब आपको ये क्या है, अगेन आपको मालूम है यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. आपके सामने यहाँ पे अमाउंट इज क्लियर, यहाँ पे यू आर गोइंग टू फाइंड द अमाउंट, डू द कंपेरिजन एंड देन कैन गिव द आंसर. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो वॉट डिड वी लर्न टूडे? टूडे वी हैव डन सम मोर सम्स बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें आपने देखा आई हैव शोन यू द स्टेप्स, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आई हैव लेफ्ट फॉर यू. सो अब आपका रोल बनता है कि यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी वेरी नीटली. अभी हमने आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर कहीं स्टक डाउन है यू कैन गिव अ जस्ट लुक एट द स्टेप्स अगेन एंड डू द होल कैलकुलेशन. आपकी बुक्स में आपको आंसर्स भी मिलेंगे एंड देन यू कैन चेक फॉर इट. और जैसा मैंने आपको 20 सेशन में भी कहा था, अगर आपको कोई और डिफिकल्टी है, इफ यू वॉन्ट टू गेट इट मोर क्लियर एंड इफ यू वॉन्ट एनी अदर हेल्प, वी आर ऑलवेज देयर ऑन अवर एप. यू कैन कॉन्टेक्ट मी विद ऑन द एप एंड देन आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज इंडिविजुअली ऑल्सो. सो बेटर यू डू द सम्स, तभी आप क्वेश्चन लेकर हमारे पास आएंगे एंड वी कैन सॉल्व. सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन बाय.